नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज 18 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। भोपाल से खबर आ रही है जहां प्रदेश में पहली बार बड़े स्तर पर शस्त्र पूजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री के साथ मंत्री भी शस्त्र पूजा करेंगे। खरगोन के महेश्वर में मुख्यमंत्री शस्त्र पूजा करेंगे। राजेंद्र शुक्ल रीवा में शस्त्र पूजा करेंगे। डेप्यूटी सीएम है जो कि भोपाल में जगदीश देवड़ा शस्त्र पूजा करेंगे। डेप्यूटी सीएम है मध्य प्रदेश के और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी आज महेश्वर के दौरे पर रहेंगे। महेश्वर में दशहरा शस्त्र पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे। महेश्वर में आम सभा को भी संबोधित करेंगे। करोड़ों के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी करेंगे। तो आज क्योंकि विजयदशमी है, आज बुराई पर अच्छाई की जीत का जो प्रतीक माना जाता है, त्योहार है आज, और इसको देखते हुए शस्त्र पूजा की अपनी मान्यता है, परंपरा है जो कई सालों से चली आ रही है विजयदशमी के इस मौके पर। और आज बड़े स्तर पर जो है विजयदशमी का जो पर्व है वो मनाया जाएगा और साथ ही शस्त्र पूजन भी किया जाएगा। शैलेंद्र संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं, शैलेंद्र भदौरिया भोपाल से। शैलेंद्र, आज बहुत ही बड़े स्तर पर शस्त्र पूजन का जो पूरा कार्यक्रम है वो किया जाएगा, कौन कहां रहने वाला है, कितने बड़े लेवल पर होगा, विस्तार से बताइए शैलेंद्र। देखिए, मैं आपको बता दूं, भारतीय सनातन परंपरा के अनुसार विजयदशमी के दिन शस्त्र पूजन का प्रावधान रहा है। लोग अपने घरों पर शस्त्र पूजन करते थे और इसके साथ ही अगर मैं बात करूं तो जो पुलिस लाइन है उसके जो शस्त्रागार होता था वहां पर पुलिस अधिकारी जो है अब से पहले इस शस्त्र पूजन को करते आए हैं। उसमें पुलिस के तमाम अधिकारी शामिल होते थे, लेकिन पिछले कैबिनेट में जो जिस तरीके से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ये निर्देश दिए थे कि मध्य प्रदेश सरकार के सभी मंत्री, सांसद और विधायक जो है वो शस्त्र पूजन के कार्यक्रम में शामिल होंगे, और यही कारण है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव महेश्वर में आज शस्त्र पूजन की पूजा में शामिल होंगे। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल है वो रीवा में शामिल होंगे और मध्य प्रदेश के दूसरे डिप्टी सीएम जो है वो भोपाल में शामिल होंगे। इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जो सांसद भी हैं खजुराहो से, वो कटनी में शामिल होने वाले शस्त्र पूजा में। इसके अलावा जो मंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार के वो अपने अपने जिलों में शस्त्र पूजा में शामिल होंगे। इसके साथ ही जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, वो लोग भी अपने अपने इलाके में शस्त्र पूजा में शामिल होंगे। तो ये पहली बार ये ऐसा हो रहा है मध्य प्रदेश में कि अब से पहले जो शस्त्र पूजा शस्त्रागार में मध्य प्रदेश पुलिस के जो अधिकारी हैं वो किया करते थे, लेकिन अब उसमें मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री से लेकर तमाम मंत्री, विधायक और सांसद शामिल हो रहे हैं। यानी मध्य प्रदेश में सनातन परंपरा को और ज्यादा समृद्ध बनाने की दिशा में मध्य प्रदेश सरकार का ये कदम कहा जा सकता है। डॉक्टर मोहन यादव आज महेश्वर के दौरे पर रहेंगे, न केवल वो वहां पर शस्त्र पूजन करेंगे बल्कि करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात भी आज वो खरगोन जिले को देने वाले हैं। जी बिल्कुल, और देखिए काफी ज्यादा एक बड़े स्तर पर हम कह सकते हैं जो शस्त्र पूजन है वो आज होने वाला है, और ये बहुत बड़ी बात है मध्य प्रदेश के लिए भी कि इतने बड़े स्तर पर सारी चीजें होंगी, तो एक ऐतिहासिक पल होगा ये। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, नजर बनाए रखिएगा फिलहाल जानकारी साझा करने के लिए, शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत की। विजयदशमी के मौके पर आज नागपुर के रेशमबाग मैदान में शस्त्र पूजन उन्होंने किया है। संघ प्रमुख के संबोधन से पहले आरएसएस के स्वयं सेवकों ने पथ संचालन किया। इस दौरान स्वयं सेवक पारंपरिक गणवेश में बैंड के साथ परेड निकालते हुए नजर आए, और ये दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, जहां पर आप देखेंगे आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत विजयदशमी के इस मौके पर नागपुर के रेशमबाग मैदान में पहुंचे और उन्होंने शस्त्र पूजन भी किया। ये फूल चढ़ाकर शस्त्र पूजन किया गया। इतना ही नहीं बल्कि संघ प्रमुख के संबोधन से पहले आरएसएस के जो स्वयं सेवक हैं उन्होंने पथ संचालन किया, मार्च पास किया है। इस दौरान स्वयं सेवक पारंपरिक गणवेश में बैंड के साथ परेड निकालते हुए नजर आए और नजारा काफी मनमोहक रहा। ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और ये पूरा बैंड आप देखिए किस तरीके से जो पारंपरिक विधान है, पारंपरिक गणवेश है, पारंपरिक गणवेश में बैंड के साथ परेड निकालते हुए नजर आए स्वयं सेवक। आज विजयदशमी का पर्व है, एक तरफ शस्त्र पूजन आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को आप करते हुए देख सकते हैं। नागपुर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, नागपुर में सीधी तस्वीर जहां एक तरफ शस्त्र पूजन किया गया तो दूसरी तरफ स्वयं सेवकों ने मार्च पास के साथ साथ
पारंपरिक गणवेश में बैंड के साथ परेड भी निकालते हुए यहां की परंपरा को, संस्कृति को दिखाया है। और अब बात करेंगे दिल्ली के द्वारका में दुनिया के सबसे बड़ा रावण का पुतला बनाया गया है। यह पुतला 211 फीट का है, जिसे दिल्ली के रामलीला मैदान में लगाया जाएगा और आज दशहरे पर इसी पुतले का दहन होगा। रावण के इस पुतले को अंबाला के 40 कारीगरों ने 40 दिन में तैयार किया है, जिसे बनाने में 30 लाख की कीमत आई है। 30 लाख रुपए की कीमत से बनकर तैयार हुआ रावण का ये दुनिया का सबसे बड़ा पुतला है ये, जो कि आज दहन होगा और आज इसे राजधानी में दुनिया के सबसे बड़े रावण के पुतले को रखा जाएगा। तो इस बार सेक्टर 10 द्वारका की रामलीला सोसाइटी में विश्व का सबसे बड़ा रावण का पुतला लगाया गया है। आप देख सकते हैं कि ये वही पुतला है जिसकी बात हम कर रहे हैं। विश्व का सबसे बड़ा पुतला रावण का है ये, और बताया जा रहा है कि 211 फीट इसकी लंबाई है, जो अब तक का सबसे बड़ा रावण है। और इस रावण को बनाने में, यानी कि इस पुतले को तैयार करने में 40 कारीगरों ने अपना सहयोग दिया है। और कितने दिन लगे हैं, क्या कुछ इस रावण की विशेषता है, क्योंकि हर कोई इस रावण को देखने के लिए द्वारका 10 के श्री रामलीला सोसाइटी में पहुंच रहा है। लोग इस रावण की जो प्रतिमा है, यानी कि जो पुतला बनाया गया है, इसे अपने फ़ोन में कैप्चर कर रहे हैं और लोग लंबी तादाद में यहाँ पहुँच रहे हैं। तो सेक्टर 10 रामलीला सोसाइटी के चेयरमैन राजेश गहलोत हमारे साथ हैं, उनसे ही पूछ लेते हैं। सर, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि अभी तक का सबसे बड़ा, लंबाई में सबसे ऊंचा रावण ये तैयार किया गया है, कितने दिन लगे, कहाँ के कारीगरों ने इसे बनाया? मैडम, दुनिया का सबसे ऊंचा रावण है ये, क्योंकि इंडिया में ही सबसे ऊंचे जलते हैं, दहन होते हैं, तो दुनिया का सबसे ऊंचा रावण है और 211 फुट इसकी हाइट है। अंबाला से इसके कारीगर आए थे और 4 महीने का समय इसको बनाने में लगा है। आगे बढ़ेंगे खबरों में, बात करेंगे गुना की, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के भतीजे के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। जागरूकता कार्यक्रम में व्यवधान डालने का आरोप है। पुलिस प्रशासन से भी बदसलूकी का आरोप है। राघवगढ़ थाना में दर्ज हुआ है केस और ये गुना में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के भतीजे के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। जागरूकता कार्यक्रम में व्यवधान डालने का भी उन पर आरोप लगा है। संदीप दीक्षित संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। संदीप, क्या कुछ आरोप लगे हैं? तो संदीप से संपर्क नहीं हो पा रहा, कुछ तकनीकी खराबी है। और बता दें आपको कि ये गुना में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के भतीजे हैं, जिन पर FIR दर्ज हुई है। दरअसल जागरूकता कार्यक्रम में व्यवधान डालने का इन पर आरोप लग रहा है और साथ ही पुलिस प्रशासन से बदसलूकी का भी इन पर आरोप है। संदीप संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। संदीप, क्या कुछ आरोप है, क्या वहां के लोग कह रहे हैं और पुलिस प्रशासन से भी बदसलूकी का आरोप है? बिल्कुल अंशिका, मैं बता दूं कि निरीक्षक जुबेर खान ने कल एक FIR दर्ज कराई है, जिसमें विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। BNS की धाराएं हैं, शासकीय कार्य में बाधा का मामला दर्ज हुआ है, धारा 132, 121 कोष्टक में 1-3, कोष्टक में 5। मामला दरअसल ये था, JP कॉलेज की लगभग 25 लड़कियां जन जागरूकता के लिए, मैं हूं अभिमन्यु कार्यक्रम के लिए नाट्य प्रस्तुति कर रहे थे, उसी दौरान लक्ष्मण सिंह के बेटे जो हैं आदित्य सिंह, वह वहां से निकलते हैं और उनका पुलिस को लेके कुछ विवाद हो जाता है, उस पर से ये FIR की गई है। अंशिका, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए संदीप।